Hello everyone, good morning. This is Vivek Tyagi, and today we are going to discuss some important numericals problem on the basis of circuit theory from H.C. Verma. बच्चों कोशिश करेंगे आज जितने भी numericals करेंगे करने वाले हैं हम लोग उसमें सभी concept जितने भी use होते हैं कोशिश करूँगा कि सभी refresh कर लो आप लोग और question के through concept को समझना बहुत easy होता है. चलिए तो let's start with our first question. तो बच्चों अगर हम बात करिए 30th question है H.C. Verma का बोला गया है Find the equivalent resistance of the network shown in figure between points A and B. Simple सा concept है बच्चों, जिन भी दो points के बीच में आपको resistance calculate करना है, उन दो points को extreme left and extreme right में रख दीजिए. जैसे for example, अगर मैं इसमें यहाँ पे solve करूँ, तो this is my point A and this is my point B. ठीक है, अब A और B क्या है? A और B कोई भी दो potential मान लो आप अपनी मर्जी से. मान लो A और B वो वाले terminals होते हैं जहाँ पर आप battery connect करने वाले हो. बैटरी कनेक्ट करने वाले तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि बैटरी के अक्रॉस अगर मैं यहाँ पर एक पोटेंशियल लगा देता हूँ बैटरी लगा देता हूँ तो ये 0 वोल्ट और इसको वी वोल्ट मान लेते हैं और लाइव वायर भी पता होनी चाहिए. लाइव वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है. चलिए तो मैंने बोला कि यहाँ पर अगर मैं एक बैटरी लगाऊँ ठीक है इफ़ आई कनेक्ट अ बैटरी तो ए का पोटेंशियल वी बन जाएगा और बी का पोटेंशियल 0 बन जाएगा. तो आप A और B लिखना चाहें तो भी ठीक है, B और 0 लिखना चाहें तो भी ठीक है, आप कोई अपनी तरफ से पोटेंशियल मानना चाहे एक्स वाई तो भी ठीक है. ठीक है, तो अभी देखिए ये लाइव वायर है बच्चों आपके पास, दिस इज लाइव वायर और लाइव वायर अभी अभी देखा है कि हर एक पॉइंट के पोटेंशियल सेम रहता है. लाइव वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है. तो इफ दिस इज एट बी पोटेंशियल तो दिस इज ऑल्सो एट बी पोटेंशियल, दिस इज ऑल्सो एट बी पोटेंशियल एंड दिस इज ऑल्सो एट बी पोटेंशियल. ठीक है, तो अब हमें इसके अक्रॉस देखना है बी का पोटेंशियल कितना है बच्चों 0 वोल्ट. तो दिस इज ऑल्सो 0 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 0 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 0 वोल्ट. तो हमें क्या करना है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए. तो देखिए लग गया हमारे पास, इसको अगर मैं R1, इसको R2 और इसको R3 अगर मैं बोल दूँ तो R1 किस किस के पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है बच्चों, तो R1 इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड 0. तो या A और B के बीच में R कनेक्टेड है बच्चों, इसी को B बोल देते हैं और इसी को 0. ठीक है, R2 भी देखिए बच्चों 0 और V के बीच में कनेक्टेड है, यानी यहाँ पर ये कनेक्टेड है बच्चों. R3 भी देखिए बच्चों V और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो ये हो गया. तो सिंपली जो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें दिखाई दे रहा था, सॉल्व करने के बाद पता लगा कि ये तो तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेज पैरेलल में है और पैरेलल में तो बच्चों रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है. सेम रेजिस्टेंस है तो R/N फैक्टर से वो रिड्यूस हो जाता है, यानी इसका जो इक्विवेलेंट आएगा दैट इज R/3. आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों. चलिए 31st क्वेश्चन देखिए, बोला गया एक वायर है हमारे पास, उसका टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम है. ठीक है, पूरी वायर का. अब उसको एक हेक्सागन की शेप में बना दिया है, हेक्सागन का मतलब 6 उसकी साइड्स होती है. ठीक है, रेगुलर हेक्सागन बना दिया. अब उसने बोला कि हर एक पॉइंट के अक्रॉस, कभी कभी ए डी के अक्रॉस, ए सी के अक्रॉस, मैं कह रहा हूँ आप पूरे के पूरे सर्किट को अपने आप से डिजाइन कर सकते हो. आप स्क्वायर बना लो, आप पेंटागन बना लो, आप हेक्सागन बना लो, जैसा बनाना वैसा बना लीजिए, न्यूमेरिकल होता है. चलिए तो देखिए, अब अगर मैं इसका हेक्सागन बनाऊं बच्चों तो हेक्सागन कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा. ठीक, अब देखिए टोटल साइड्स 6 हो गई और हर एक मतलब टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना था बेटा 15 ओम. तो 15 ओम डिवाइड हो गया 6 पार्ट्स में ना, तो रेजिस्टेंस एक साइड का कितना आ जाएगा बच्चों, एक साइड का रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 15/6 यानी 2.5 ओम. तो हर एक वायर पर 2.5 ओम आ गया रेजिस्टेंस. चलिए अब क्या करना बच्चों, अब देखिए इनकी नेमिंग कर देते ए बी सी डी ई एंड एफ. बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी. अब कैसे निकाल लो आप, ए ई के बीच में निकाल लो, आप डी ई के बीच में निकाल लो, दैट इज टोटली जो योर चॉइस है. जो भी आप लोगों के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो जो भी पूछेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को मैनिपुलेट करना है. कॉन्सेप्ट समझिए, ए और बी के बीच में निकालना, तो तरीका अभी भी वही है. ए को यहाँ पे रखो, बी को यहाँ पे रखो बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट. ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 2.5 का. अब देखिए ये जो बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए, ये सभी के सभी रेस्ट ऑफ दी 5 जो रेजिस्टेंसेज है, ईच पॉइंट ईच ऑफ वैल्यू 2.5, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है. तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे बच्चों, 5 × 2.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 5 × 2.5. ठीक है ना, 5 × 2.5 इसकी वैल्यू आ गई, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 5 × 2.5, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली
12.5, ठीक है। अब ये 12.5 एंड 2.5 वाली पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाइए बच्चों। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, R1 R2 by R1 plus R2। सिमिलरली अगर हम से बोला जाए ए और सी के बीच में, तो देखिए ए और सी के बीच में हम क्या करेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे अब सीरीज में हो गए और ऊपर के चारों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। यानी नीचे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 ओम और ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों 10 ओम। यानी अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस बना 5 ओम का और एक रेजिस्टेंस बना 10 ओम का, एंड दे आर इन पैरेलल। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, पैरेलल का फॉर्मूला ये आएगा, विल गेट द आंसर। जल्दी बताइए बच्चों, इतना समझ में आया। चलिए नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब जो ये थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि कुछ भी नहीं बोला गया है इसमें, एक ना स्विच लगा दिया। अब स्विच इज नथिंग बट इट्स अ लाइव वायर, ठीक है। स्विच देखिए, अगर स्विच को ऑन कर दूंगा तो बेसिकली एक लाइव वायर की तरह ही यूज में आने वाला है। अब बोला गया कि 10 ओम के क्रॉस करंट निकालो बिफोर एंड आफ्टर द स्विच इज क्लोज एंड ओपन। जब स्विच ओपन है तब बताओ, जब स्विच को क्लोज कर दिए तब करंट बताइए। अब अगर स्विच ओपन है यानी देर इज नो यूज ऑफ स्विच, तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे, ये 10 ओम, ये 20 ओम एंड दीज आर इन, जल्दी बोलिए बच्चों, सीरीज। तो करंट कितना आ जाएगा बच्चों, ये टोटल रेजिस्टेंस 3/30 यानी वी बाय आर हमारे पास आ गया आई। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0.1। चलिए ये जब है जब हमारा स्विच ओपन है, लेकिन जैसे ही स्विच क्लोज कर देंगे बच्चों, अब दोबारा देखिए, इसको मैं 0 और इसको मैं 3 वोल्ट मान सकता हूँ, तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने ये स्विच को ऑन कर दिया बच्चों, तो ये भी 0 वोल्ट आ गया। यानी इस रेजिस्टेंस के होने ना होने का कोई यूज़ नहीं है अब। तो सर्किट क्या बन गया हमारा, तो सर्किट हमारा अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज सिंपली अ 10 ओम रेजिस्टेंस विद अ 3 वोल्ट बैटरी। जल्दी बोलो करंट कितना आ गया बच्चों, करंट का फॉर्मूला वी बाय आर एंड दैट इज 3/10 यानी 0.3 एम्पियर। यानी जब स्विच ओपन था तो 0.1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था 10 ओम के क्रॉस, और जैसे ही स्विच को क्लोज कर दिया तो जो आपके पास 20 ओम का रेजिस्टेंस था वो शॉर्ट सर्किट हो गया बच्चों, एंड दैट इज ऑफ नो यूज। जल्दी बताइए, आया समझ में बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोला गया फाइंड द करंट थ्रू 3 रजिस्टर शोन इन फिगर। अब आपके पास एक फिगर गिवन है, मैं तो सिंपली ये बोलता हूँ कि किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोटेंशियल डिपेंड करता है किसी भी पॉइंट का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको मैं 0 वोल्ट मान लेता हूँ, लेट अस सपोज इसको मैंने 0 वोल्ट माना, तो बच्चों अब यहाँ से यहाँ चलो प्लस से माइनस, माइनस 2 वोल्ट यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस 2 वोल्ट आ गया, फिर माइनस से प्लस, प्लस 4, तो माइनस 2 प्लस 4 यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 2 वोल्ट, ठीक है। अब जहाँ पर फंस जाओ वहाँ पर एक्स मान लो, ये एक्स मान लिया। अब ध्यान से देखो, आपको ऊपर वाला रजिस्टर एक ही पोटेंशियल के अक्रॉस आ रहा है, दोनों एंड्स एक ही पोटेंशियल के अक्रॉस आ रहे हैं, यानी वो शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, ये भी 0 वोल्ट आ गया था, ये भी 0 वोल्ट आ गया, तो सेम पोटेंशियल के अक्रॉस आ गया, तो शॉर्ट सर्किट हम उसको कर देते हैं। यानी इस वाले सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूँ तो सर्किट क्या बन जाएगा बच्चों, मेरे पास एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस कितनी बैटरी आई हमारे पास 2 वोल्ट, दैट्स इट। यानी 4 एंड 6, आई कितना आ गया बच्चों, आई आ गया हमारे पास 2/10। जल्दी बोलो बच्चों, 2/10 बोले तो 0.2 एम्पियर, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है बच्चों। चलिए तो जब भी सर्किट थ्योरी कर रहे हो ना बच्चों, तो आपको पार्शियल केवीएल लगाना आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर पार्शियल केवीएल नहीं आता तो मैं एक बार सिखा देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस भी है और एक बैटरी भी लगा दी है, और मान लो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। तो करंट जब भी फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को कैसे मैनेज करते हैं, जहाँ से करंट एंटर करेगा ना दैट इज ऑफ हायर पोटेंशियल, जहाँ से करंट बाहर निकलेगा वो लोअर पोटेंशियल पे। तो ये प्लस बना बच्चों और ये माइनस बना। जो सेल होता है, सेल का जो हायर पोटेंशियल वाला डंडा यानी जो बड़े वाला डंडा होता है दैट इज ऑफ हायर पोटेंशियल, और जो छोटे वाला डंडा होता है दैट इज ऑफ लोअर पोटेंशियल। यानी ये प्लस बना बच्चों, ये माइनस बना, ठीक है। अब हमें पार्शियल का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे दूसरे पॉइंट तक पहुंचना होता है,
तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल मैं ए मान लूं, कहां पे पहुंचना है बच्चों, बी बी पर। अब ये देखिए आपको चलते चलते ए से बी तक कितने आपको एलिमेंट्स मिले, एक रजिस्टर मिला, एक सेल मिली, दो रजिस्टर मिले, दो सेल मिली, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बस हमें ये देखना है कि आप कहाँ से कहाँ एंटर कर रहे हो, आप हायर पोटेंशियल से लोअर जा रहे हो या लोअर से हायर जा रहे हो। अगर आप हायर से लोअर जा रहे हो तो आप डिग्रेड हो गए हो यानी नेगेटिव साइन, और अगर आप लोअर से हायर जा रहे हो तो आप अपग्रेड हो गए हो यानी पॉजिटिव साइन, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए इसका रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल वी मान लेते हैं, तो माइनस आई इंटू आर हो जाएगा बच्चों और माइनस वी हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आ जाइए बच्चों, अब 34 क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि हमारे पास एक सर्किट गिवन है और इसके अक्रॉस जो ए का पोटेंशियल है दैट इज ऑफ 30 वोल्ट बच्चों गिवन है हमारे पास, बी का जो पोटेंशियल है दैट इज ऑफ 12 वोल्ट और ए 2 वोल्ट। अगर आपने सर्किट थ्योरी अच्छे से नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट को देख लीजिए सर्किट थ्योरी या करंट इलेक्ट्रिसिटी की, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए अब हमने क्या माना बच्चों, हमसे बोला गया फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है। अब देखो हमारे लिए क्या करना, हमें तो रजिस्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो रजिस्टर के एक एंड के अक्रॉस पोटेंशियल पता है लेकिन जो दूसरा एंड यहाँ पर कनेक्टेड है इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल नहीं पता। तो क्या करो बच्चों, लेट अस अज्यूम इसका पोटेंशियल x मान लो, अब x को हायर पोटेंशियल मानते हुए करंट को फ्लो करा दो, ठीक है। यहाँ पे करंट गया बच्चों I1, यहाँ पे करंट गया बच्चों I2 और यहाँ पे करंट गया बच्चों I3। x मानो, हायर पोटेंशियल मानो, करंट को फ्लो करा दो, अप्लाई KCL, KCL बोले तो किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन रूल लगाओ, जंक्शन पे आने वाला मस्ट बी इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब I क्या होता है बच्चों, V बाय R, V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, x-30 यानी x-30 डिवाइडेड बाई RR की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, प्लस x-12 डिवाइडेड बाई 20 प्लस x-2 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू पता लग जाएगा बच्चों, इस इक्वेशन में दोबारा रख देंगे तो यहाँ से I1 की वैल्यू पता लग जाएगी, यहाँ से I2 की वैल्यू पता लग जाएगी, यहाँ से I3 की वैल्यू पता लग जाएगी। बट पॉइंट क्या याद रखना है आपको, अगर करंट नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव का मतलब क्या है कि करंट की जो डायरेक्शन हमने मानी है, लेट से हमने करंट की डायरेक्शन ये मानी है और करंट नेगेटिव आ जाए तो रियलिटी में करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो देखिए एक्स की वैल्यू सॉल्व करते हैं, यहाँ से बच्चों नीचे से अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तो ये एलसीएम आ जाएगा 6, 10 कॉमन लेके उधर लेके चले गए 0 हो जाएगा, वो एलसीएम 6 आ गया तो ये कितना बन गया बच्चों 6x-180 प्लस 3x-36, ठीक है बच्चों। आगे सोल्व करो, ये देखो प्लस 2x-4 इज इक्वल टू 0। अब 6 को उधर लेके चले जाओ, 6 भी 0 हो जाएगा बच्चों, तो 6 3 9 और 2 11x, दिस इज इक्वल टू 180 प्लस 42 20 वोल्ट, यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों 20 वोल्ट, ठीक है। अब x की वैल्यू 21 वोल्ट आ गई तो I1 देखो, I1 कितना आ गया, I1 कितना आ गया बच्चों हमारे पास 20-30 डिवाइडेड बाई 10 यानी -10 डिवाइडेड बाई 10 बोले तो -1 एम्पियर। अब -1 एम्पियर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंस समझो आप लोग, कि करंट हमने इस डायरेक्शन में माना था ना, तो रियलिटी में करंट इस डायरेक्शन में ना फ्लो करके ए डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप I2 भी निकाल लीजिए और ऐसे ही आप I3 भी निकाल लीजिए। चलिए इतना समझ में आया बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है, ईच रजिस्टर एज शोन इन फिगर एज अ रेजिस्टेंस 10 ओम, ये 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। हैविंग अ बैटरी ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 10 वोल्ट की बैटरी है, फाइंड द करंट थ्रू द रजिस्टर ए एंड बी इन द टू सर्किट, हमें दोनों सर्किट में ए और बी के क्रॉस करंट कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात हुई है बच्चों, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानो, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानो, स्टार्ट कर लो। देखो मैंने मान ली ये पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो ये भी लाइव आ रही, ये भी 0, ये भी 0, परफेक्ट। अब देखिए यहाँ से चले बच्चों, इस पॉइंट से चले तो माइनस से प्लस, प्लस तो यहाँ पर आ गया 10 वोल्ट, ठीक। फिर यहाँ से चले बच्चों, 10 से चले यहाँ, प्लस से माइनस, माइनस 10, 10 प्लस का था माइनस 10 हो गया, यहाँ से देखो ना 10-10, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 तो ये भी 0,
यानी इस रजिस्टर में तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, जीरो, और ये शॉर्ट सर्किट हो गया। इस वाले में देखो ये 10 वोल्ट है बच्चों, तो ये भी 10 वोल्ट हो गया, तो इस वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा कितना, पोटेंशियल डिफरेंस 10 आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है, तो 10 बाई 10 1 एम्पियर, और डायरेक्शन ये हो जाएगी। वर्बली क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड। चलिए अब इसमें आ जाइए बच्चों, पहले बैटरी का ईएमएफ देख लेते हैं, ये 10, ये 10, और हर एक रजिस्टर भी 10 ओम का गिवन है ना, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का। चलिए वही बात करते हैं बच्चों, जीरो मानो। अब जीरो कहाँ पे माना, दैट इज टोटली एंटायरली योर कॉल, जहाँ आपका मन करे वहाँ पे मान लो। मैंने माना ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लाइव वायर है, ध्यान रखना बच्चों। तो जीरो से यहाँ पे चले माइनस से प्लस, प्लस 10 वोल्ट यहाँ पर आ गया बच्चों, तो ये भी 10 वोल्ट आ गया बच्चों, यहाँ से चले ये भी 10 वोल्ट आ गया बच्चों, तो ये भी 10 वोल्ट। अब ध्यान से देखना बी वाले रजिस्टर में, देखो बी वाले रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 10 10, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया, 10 माइनस 10 जीरो, डिवाइडेड बाई समथिंग, तो आई की वैल्यू जीरो। इसमें देखो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा बच्चों, 10 बाई 10, इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा और इसमें भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। जल्दी बताइए बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ सर्किट थ्योरी में छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना, अगर वो छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं तो आई एम प्रीटी डन श्योर आपसे कोई भी एक भी न्यूमेरिकल नहीं रुकने वाला, बट वही है कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। चलिए अभी हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB, हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं बच्चों, देखिए हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग सर्किट को रीड्रॉ भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, सर्किट को रीड्रॉ करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक ब्रांच में सेल और रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर सकते, आप ब्रांच को कहीं पर भी लेके जा सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई ब्रांच के दोनों टर्मिनल्स इनिशियल जिस पॉइंट के साथ कनेक्टेड थे ना, बाद में भी उसी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है रहने चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे सर्किट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, आपने अगर जंक्शंस ब्रेक कर दिए तो सर्किट चेंज हो जाएगा बिल्कुल कम्प्लीटली, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए अब क्या बोला गया, हमें ए और बी के बीच में निकालना है, ठीक है ना बच्चों, यानी अगर मुझे इसमें करंट आई पता लग जाए, अगर मुझे करंट आई पता लग जाए इस वाली ब्रांच में, तो मैं निकाल सकता हूँ बच्चों VA माइनस आई इंटू R3 इज इक्वल्स टू VB। अब कैसे करना, बहुत सिंपल सा फट है बच्चों, इनको सोल्व करने का तरीका देखो, दो तरीके बता देता हूँ, या तो इसको जीरो मान लो, जीरो जीरो जीरो, तो ये कितना बन गया बच्चों -E1, ये कितना बन गया बच्चों -E2, ठीक है। अब यहाँ पे फंस गए तो यहाँ पे x मान लो, अब x को मानते हुए करंट को फ्लो करा दो, x को मानते हुए क्या कर दो बच्चों, करंट को फ्लो करा दो हाइयर मानते हुए, तो इधर I1 करंट चला गया, ठीक है बच्चों, इधर I2 करंट चला गया, ये I1 हो गया और ये I3 हो गया, फिर KVL लगा दो, I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना बच्चों, ये हमें पता लग गया। अब I1 की वैल्यू को देखो क्या लिख सकते हैं, I1 की वैल्यू लिखेंगे हाइयर माइनस माइनस लोअर डिवाइडेड बाय R1 प्लस हाइयर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय R2, ये R3 है बच्चों, प्लस हाइयर माइनस, ये माइनस E2 है बेटा, माइनस माइनस E2 डिवाइडेड बाय R3। ये तो तरीका ऐसे है, यहाँ से क्या करो बच्चों, इसकी वैल्यू निकालो, I2 की वैल्यू निकाल लो, I2 की वैल्यू निकल जाओगे, इस इक्वेशन में I2 की वैल्यू रख देना, यू विल गेट दी आंसर। या दूसरा तरीका, इनको मैं रीड्रो करके देखो सर्किट को रीड्रो कैसे कर सकता हूँ, सर्किट को रीड्रो देखिए, इसको ऐसे ही बनाओ, दूसरे सर्किट को ऐसे ही बनाओ, और जो ये रेजिस्टेंस है R3 इसको नीचे लेके आ जाओ, ये E1 बन गया, ये R1 बन गया, ये E2 बन गया, ये R2 बन गया, ये E3 R3 बन गया, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान से देखिए ये पैरेलल सेल्स का कॉम्बिनेशन आ गया, पैरेलल सेल्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसका इक्विवेलेंट मैं कैसे बना सकता हूँ वो देखो, यहाँ पे E इक्विवेलेंट लिख दो बच्चों, यहाँ पे R इक्विवेलेंट, और ये R3 एज इट इज रहेगा आपके पास, ठीक। अब E इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट सिंपल है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, सिंपल। और R इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे बच्चों, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2,
1/1/R1+1/ वही पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना, इसमें कोई रोल नहीं आने वाला, ठीक है। अब जब इक्विवेलेंट पता लग जाएगा आपको, आर इक्विवेलेंट पता लग गया तो करंट भी पता लग जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, सभी तरीके बता दें। अब सिमिलरली इस सर्किट को देखियो, अब इस सर्किट में कुछ भी नहीं करना बच्चों आपको, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस रेजिस्टेंस को उठाओ, यहाँ पे लेके आ जाओ, इस रेजिस्टेंस को उठाओ और नीचे लेके आ जाओ यहाँ पर, और इस बैटरी को ऊपर पहुँचा दो, मतलब रीशफल कर दो आप लोग। फिर यहाँ पे क्या मान लो, यहाँ पे जीरो मान लो पोटेंशियल, यहाँ पे जीरो मान ले तो ये कितना बन गया बच्चों E1+ का। और सिमिलरली जब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लेके आगे, तो ये रेजिस्टेंस नहीं बचा आपके पास, डायरेक्ट वायर घुस गई, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों E2, और इसका पोटेंशियल मान लो X। फिर वही तरीका निकाल लो बच्चों, इसमें I1 मान लो, इसमें I2 मान लो, और इसमें I3 मान लो। थोड़ी कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा टफ बन जाए, क्योंकि E1 R1 सारे वेरिएबल हैं, हमारे पास वैल्यू नहीं है तो सोल्व नहीं हो पाएगा, तो E1 R1 की ही टर्म्स में आपका आंसर आने वाला है। जल्दी बताइए बच्चों, कोई दिक्कत? परफेक्ट। आइए अब यहाँ पे देखिए 37 क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन इन फिगर, E1 की वैल्यू हम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 3 वोल्ट गिवन है बच्चों, दिस इज 2 वोल्ट गिवन है, एंड दिस इज 1 वोल्ट गिवन है, और सभी रेजिस्टेंसेस 1 ओम के हैं, ठीक है बच्चों। हमसे बोला गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, लो ये भी वही क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना है भाई, ये देखो, इसको मैं जीरो और इसको मैं एक्स मान सकता हूँ अभी के लिए। अगर मुझे एक्स पता लग गया और मुझे जीरो तो पता ही है, मैंने जीरो तो मानना है ना, पूरे सर्किट में कहीं पर भी इन पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मान सकते हो आप लोग, और कहीं पर भी फंसते चले जाओ तो एक्स वाई जेड ऐसे मानते चलना आप। तो अब देखो वही KVL लगाओ बच्चों, ये जीरो है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों 3 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों 2 वोल्ट, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों 1 वोल्ट। तो यहाँ से करंट कितना आया बच्चों I1, ये I2 और ये I3। सॉल्व फॉर x, तो I1+I2+I3 क्या हो गया बच्चों हमारा 0 के बराबर। अब देखिए क्या लिख सकता हूँ, I को x-3/1+x-2/1+x-1/1=0। तो ये तो डायरेक्ट आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है, 3x-6=0, तो x की वैल्यू आ गई 6/3 यानी 2 वोल्ट। अब x 2 वोल्ट आ गया बच्चों और ये 0 है, तो VA-VB कितना आ गया बच्चों, VA-VB कितना आ गया 2 वोल्ट। सिंपल डायरेक्ट आंसर, जल्दी बताइए बच्चों आया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सिंपल सी बात है बच्चों, इन्होंने बोला फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम, हमें किस 10 ओम के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है। मैं तो फिर वही बोलूंगा, कहीं पर भी एक पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मान लो, और पार्शियल KVL करते हुए हर एक पॉइंट के अक्रॉस, रजिस्टर के हर एक पॉइंट के अक्रॉस आपको पहुंचना है। कहीं फंस जाते हो वहां पर एक्स मान लो। सिंपल देखिए, मैं इसको जीरो मान रहा हूँ बच्चों, तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, तो इस रजिस्टर का ये पोटेंशियल 3 वोल्ट पे आ गया बच्चों, ये जीरो तो ये 4.5 आ गया बच्चों, तो ये भी 4.5 आ गया। अब यहाँ पर फंस गए ना हम लोग, तो इसको x मान, कंसीडर x टू बी एट हायर पोटेंशियल, करंट को फ्लो करा दो बच्चों। करंट को फ्लो कराने का आप तरीका देखिए, यहाँ पे I1 मान लो, यहाँ पर I2 मान लो बच्चों, और यहाँ पर I3 मान लो, और अप्लाई जंक्शन क्या कहता है बच्चों, I1+I2+I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। सिंपल, 0 तो I1 की वैल्यू देखिए हायर, बोले तो x-4.5/3+x-3/10+x-0/6=0। अब बच्चों इसको सॉल्व करने की गारंटी आप ले लो, इक्वेशन बन गई सॉल्व फॉर x। नाउ सॉल्व फॉर x, x के लिए अब आपको सॉल्व करना है बच्चों, x की वैल्यू रख देंगे, I1, I2, I3 पता लग जाएगा, और हमारा जो भी आंसर आएगा, I2 हमें चाहिए तो I2 will be our answer। डन है बच्चों? चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। फाइंड द करंट इन द 3 रेजिस्टर्स, फिर वही काम है बच्चों, जीरो मानो स्टार्ट कर लो, पार्शियल के भी आपको आना चाहिए। चलिए तो जीरो, ये देखो माइनस से प्लस, ये 2 वोल्ट आ गया बच्चों, ये माइनस से प्लस, ये 4 वोल्ट आ गया बच्चों, ये माइनस से प्लस, ये 6 वोल्ट आ गया बच्चों। अब ये देखो यहाँ से इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है, प्लस से माइनस, 6-2 यानी ये वाला 4 वोल्ट आ गया बच्चों आपके पास। फिर चलो 4-2 तो ये वाला 2 वोल्ट आ गया बच्चों आपके पास, 2-2 ये वाला 0 वोल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। देखिए हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया आपको,
हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया तो ध्यान से देखो, 4-4 पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी इसमें भी करंट जीरो है बच्चों, इसमें भी करंट जीरो है बच्चों, इसमें भी करंट जीरो है, यानी इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बट अगर मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें पता है तो विल इजीली फाइंड आउट दी आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट शुड बी दी वैल्यू ऑफ आर। ध्यान से देखो वो क्या कह रहा है कि आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए सच दैट आर के थ्रू करंट जीरो हो जाए। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट आता है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज में, और व्हीटस्टोन ब्रिज का भी पहला केस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहता है कि अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस R4 है, और इसको मैंने R5 का नाम दे दिया, तो बैलेंस क्या कहता है बच्चों कि R1 by R2 का रेशो अगर R3 by R4 के रेशो के बराबर है तो R5 को हम हटा सकते हैं, वी कैन रिमूव R5। अब R5 की कोई भी वैल्यू, इट में भी 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 100 ओम, इट में भी एनी ओम, तो हर एक R की वैल्यू पर ये देखो बैलेंस होगा। तो अब देखो 10 बाई 10 इज इक्वल टू 5 बाई 5 यानी 1:1, 1 बाई 1:1 इज इक्वल टू 1 बाई 1। हाँ बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो R की कुछ भी वैल्यू रखो, इसमें करंट फ्लो नहीं करने वाला। चलिए बच्चों इसी उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर, आज के ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, कल मिलती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।